ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, चार प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और वॉइड। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे तीन टाइप के डेटा टाइप है, कैर, साइंड कैर और अनसाइंड कैर। कितने टाइप के? थ्री टाइप्स के, कैर, साइंड कैर, अनसाइंड कैर। ठीक है, वैसे यहाँ पे इंटीजर जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइंड और अनसाइंड। ठीक है, साइंड के अंदर आता है इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। इंट आता है, शॉर्ट इंट आता है और लॉन्ग इंट आता है। वैसे ही अनसाइंड के अंदर क्या आता है? इंट आता है, शॉर्ट इंट आता है, लॉन्ग इंट आता है। ठीक है, तो दोनों में ही साइंड और अनसाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट के अंदर तीन टाइप के आते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। ठीक है, जो फ्लोट डेटा टाइप होता है उसी का ही एक पार्ट होता है डबल। ठीक है, और लास्ट में आता है वॉइड। वॉइड एक अकेला है। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे तीन टाइप के डेटा टाइप के बारे में थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या डेटा टाइप होते हैं और हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, उसकी मेमोरी कितनी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आते हैं हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के। इंटीजर डेटा टाइप में तो यहाँ पे जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो क्या होता है? इंटीजर आर यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स। साइज एंड रेंज ऑफ इंटीजर टाइप ऑन 16-बिट मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटीजर्स होते हैं मतलब इंट डेटा टाइप जो होगा वो होल नंबर स्टोर करने के लिए होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटीजर डेटा टाइप है वो फर्दर यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि सबसे पहला है इंट और साइन इंट। ठीक है, दोनों सेम होता है। इसका साइज होता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। कोई भी अगर हम लोग इंटीजर का कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे उसका साइज होगा 2 बाइट्स। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा? -32768 से लेके +32767 तक रेंज होगा। मतलब इसके अंदर हम लोग कितने नंबर्स ले सकते हैं? 32768 से लेके 32767 तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, माइनस से लेके प्लस तक, ये इसका रेंज है। वैल्यूज हम लोग को इसी में से लेनी पड़ेंगी, वैल्यूज हम लोग को इसी में से लेनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनसाइंड इंट। ये भी कितना मेमोरी लेता है? 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। यहाँ पे बोला है अनसाइंड, मतलब इसमें कोई भी साइन नहीं होगा। साइन मीन्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, प्लस में या फिर माइनस में। ठीक है, कोई भी साइन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो टोटल पॉजिटिव होगा वो। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, इसका साइज भी 2 बाइट्स है और ये 0 से लेके 65535 तक रेंज देता है। ठीक है, अगर हम लोग को कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही नंबर लेना चाहते हैं तो उस केस पे हम लोग यहाँ पे अनसाइंड इंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे शॉर्ट इंट और शॉर्ट साइंड शॉर्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है शॉर्ट है, मतलब छोटी है, रेंज हमारे पास छोटा रहेगा। ठीक है, ये 1 बाइट का मेमोरी लेता है और इसका रेंज होता है -128 से लेके 127 तक। ठीक है, यहाँ पे साइंड शॉर्ट इंट बोल रहा है तो यहाँ पे माइनस में भी वैल्यूज होंगी, -128 से लेके +127 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनसाइंड शॉर्ट इंट। ये साइंड शॉर्ट इंट था, ये अनसाइंड शॉर्ट इंट। अनसाइंड में क्या होगा? नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये 1 बाइट का मेमोरी साइज लेगा
और यहाँ पे रेंज क्या होगा, 0 to 255, 0 से लेके 255 तक, ठीक है। देन इसके बाद आता है लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट, ठीक है। जैसे हम लोग कोई बड़ी वैल्यूज लेनी है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, इस टाइप की कोई बड़ी वैल्यूज हम लोग को लेनी है, तो हम लोग लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट का यूज कर सकते हैं। ये भी लेता है 4 bytes का मेमोरी स्पेस, 4 bytes का मेमोरी स्पेस लेता है, और इसका रेंज क्या रहता है, -21474834648, इतना ये साइज लेता है, और प्लस में भी 21474384837 तक लेता है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज गायब हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा था। एक मिनट रुकना, ठीक है, एक मिनट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये रेंज लॉन्ग इंट जो होगा वो 4 bytes लेगा, और इसका रेंज क्या होगा, -21472483648221, ठीक है, पॉजिटिव साइड तक पूरा होगा, इतना बड़ा वैल्यूज हम लोग लॉन्ग इंट में ले सकते हैं, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग इंट, यहाँ पे हम लोग को 4 bytes की मेमोरी मिलती है, और ये टोटल, अगर अनसाइंड बोल रहा है तो टोटल पॉजिटिव साइड होगा, मतलब 0 से लेके 4294967295 तक, ठीक है। तो जनरली जो इंटीजर होता है वो भी यहाँ पे साइंड और अनसाइंड में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम तो बनाते नहीं हैं, ठीक है। हम लोग जनरल प्रोग्राम्स बनाते हैं, सिंपल प्रोग्राम्स बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बस हम लोग को इतना ही याद रखना है कि इंट डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसमें जिसके रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, -32768 to 32767 तक इसकी रेंज होती है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, ठीक है, माइनस से लेके प्लस तक। और ये कितना साइज लेता है, 2 bytes का साइज लेता है, मेमोरी साइज, ठीक है। ये साइज जो है वो 16-bit मशीन के हिसाब से, मतलब 16-bit कंप्यूटर के हिसाब से बनाया गया है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोट टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स, साइज एंड रेंज ऑफ इंटीजर टाइप ऑन 16-bit मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग
या फिर फ्लोट डेटा टाइप जो है वो क्या स्टोर करता है, रियल नंबर्स को स्टोर करता है। रियल नंबर्स मीन्स उसमें डेसिमल प्लेसेस में भी कोई बिना कोई वैल्यू होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। टाइप है यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट जो है 4 bytes की मेमोरी लेता है और इसका साइज जो होता है 3.4 exponent -38 to 3.4 exponent +38। ठीक है, एक्सपोनेंट जो है मैथ्स वाले को समझ में आता होगा, डेसिमल प्लेसेस के बाद बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट में जाती है वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3.4 एक्सपोनेंट है वो जनरली, अब मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं बता सकता कैसा है। ठीक है, हम लोग देखो रेंज जो होता है यहाँ पे इतना ही रेंज होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद डेसिमल प्लेसेस में अप टू 10 या 16 तक हम लोग ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट में -38 तक दिया हुआ है। ठीक है, मतलब डेसिमल के पास बाद जो है वो 38 तक नंबर्स हो सकते हैं। मीन्स अगर एकदम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को लेना है तो हम लोग फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना है तो हम लोग इंटीजर लेके काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट जो है 4 bytes की मेमोरी लेता है और यहाँ पे 3.4 exponent -38 to 3.4 exponent +38। ठीक है, अब एक्सपोनेंट। ठीक है, फिर आता है डबल। डबल जो रहता है जस्ट फ्लोट का डबल लेगा, मतलब ये अगर फ्लोट 4 bytes लेता है तो डबल क्या करता है 8 bytes की मेमोरी लेता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेंज रहता है वो भी डबल होता है, बहुत ज़्यादा रेंज होता है यहाँ पे 1.7 exponent to 308 -1.7 exponent to +308 तक। ठीक है, इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, देन इसके बाद लॉन्ग डबल में भी यहाँ पे हम लोग को मेमोरी बाइट्स देखने मिलती है 10 bytes की मेमोरी लेता है और यहाँ पे रेंज जो रहता है जस्ट इसका डबल होता है। ठीक है, 3.4 exponent to -4932 to 1.1 exponent +4932 तक रेंज होता है। ठीक है, तो ये है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, जिसको हम लोग फ्लोट डेटा टाइप से ही जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग जनरली डबल का भी बहुत कम यूज़ करते हैं और लॉन्ग डबल का भी बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लोट जो होता है 4 bytes का मेमोरी लेता है और इसका रेंज क्या रहता है 3.4 exponent -38 to 3.4 exponent +38 तक। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप्स आर यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यूज मीन्स उसमें कोई भी एक सिंगल बिट का होगा, सिंगल बाइट हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, या तो वो अल्फाबेट हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या फिर सिंबल हो सकता है, तीनों वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का कैर डेटा टाइप होता है, कैर और साइंड कैर। ठीक है, 1 byte साइज लेगा, रेंज क्या रहेगा -128 to 127। अब यहाँ पे जो रेंज बोल रहे हैं, रेंज मीन्स ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नंबर्स यहाँ पे डाल रहा है, वो रेंज नहीं है। ये रेंज जो है वो ASCII वैल्यू की रेंज है। किसकी रेंज है, ASCII वैल्यू। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड ने ASCII वैल्यू डिफाइन किया गया है। ASCII वैल्यू हम लोग देखेंगे ASCII। ठीक है, ये एक वैल्यू होती है। ठीक है, जिसके हिसाब से कैरेक्टर डिफाइन किया जाता है, जिसके हिसाब से क्या किया जाता है, कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू होगी 65। ठीक है, बी का क्या होगा 66 होगा, सी का क्या होगा 67 होगा। इस टाइप से अलग अलग ASCII वैल्यू डिफाइन किया गया है। जो यहाँ पर रेंज बता रहे हैं वो इस ASCII वैल्यू की रेंज है। ठीक है, ASCII वैल्यू की रेंज होती है। ठीक है, तो इसका एक चार्ट होता है, चार्ट में नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा किस टाइप का चार्ट होता है। ठीक है, उस चार्ट के हिसाब से ही कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं। तो -28 से लेके +127 तक ये ASCII वैल्यू में कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है अनसाइंड कैर, ये भी 1 byte मेमोरी लेगा और इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक। ठीक
ठीक है, तो सारे के सारे जो रेंज की बात कर रहे हैं वो ASCII वैल्यू की रेंज है, ठीक है। ये ASCII वैल्यू क्या होता है, इसमें किस किस टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं मेनली, कौन कौन से, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। फ्लोट के अंदर ही डबल आता है, फ्लोट के अंदर में ही डबल आता है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं मान के चलो, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में डबल को भी ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली हम लोग फ्लोट डबल यूज करते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं बेसिक, इंट, फ्लोट, डबल और कैर, ठीक है। 4 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं।